इस दफे मुझे दुख नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार पुलिस प्रशासन और पैसे का उपयोग किया, सदस्यों, हमारे जनपद के सदस्य हों, जिला परिषद के सदस्य हों, उनको खरीदने का, जिस तरह प्रशासन ने दबाव डालने का प्रयास किया, हमारे पार्षद के कैंडिडेट पर दबाव डाल रहे हैं, पुलिस पहुंचा रहे हैं, घर में बैठा रहे हैं, हमने बहुत कम परसेंटेज से शुरू किया था। तो आज हमें तुलना करनी है कि कहाँ हम थे और कहाँ हम पहुँचे, ये तुलना करनी है, और अगले 14 महीने में हम कहाँ पहुँचेंगे। बीजेपी पास पूरा पुलिस पैसा प्रशासन करोड़ों रुपया खर्च किया, कलेक्टर से लेके पंचायत सचिव ने दबाव डालने की कोशिश करी, पर पैसे से वे वोट खरीद सकते हैं पर किसी का दिल दिमाग और आत्मा नहीं खरीद सकते, वो बदला लेंगे। मेरे पास तो दो सदस्य ने कहा कि हमें इतने पैसे मिले हैं, हम वोट तो नहीं देंगे पर हम कांग्रेस के साथ रहेंगे, हमारा खून कांग्रेस का। शिवराज सिंह जी की नाटक नौटंकी से आज पूरे प्रदेश में जनता का पेट भर गया, हर वर्ग परेशान है। हमारा कृषि क्षेत्र में खाद की बात हुई, बीज की बात हुई, मूल्यों की बात हुई, ये आज तस्वीर पूरे प्रदेश के सामने, हमारी बेरोजगारी की बात हुई। मुझे तो ताज्जुब होता है कि शिवराज सिंह जी को शर्म नहीं आती कि रोज उनका खाना नहीं हजम होता अगर वो झूठ ना बोले। 1,00,000 नौजवानों को रोजगार देंगे, आपके पास तो 70,000 पद तो खाली पड़े हैं, कितने अस्पताल हैं जहाँ डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, कितने स्कूल और कॉलेज हैं जहाँ शिक्षक नहीं है, कौन से ऐसे शासकीय पद हैं जो आपने भरे नहीं। तो ये सब नाटक नौटंकी आज आम आदमी समझ रहा है। बहुत अंतर है आज का के मतदाता में और 5 साल और 10 साल पहले के मतदाता में। ये मतदाता जो आज के हैं, जिनको ज्ञान देने जाते थे, वो आपको ज्ञान देने के लिए तैयार हैं, ये हम नहीं भूल सकते जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ है। और 14 महीने बाद मैंने तो ये खुले रूप से कहा और फिर से कह रहा हूँ, जिन शासकीय अधिकारियों ने, छोटा हो या बड़ा हो, हम पूरी रिपोर्ट मंगा रहे हैं, जो भी कानूनी कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई करी जाएगी, एक सिस्टम से करेंगे, कोई बदले की भावना से नहीं। पर अगर किसी पुलिस वाले ने अपनी वर्दी की इज्जत नहीं करी, किसी शासकीय अधिकारी ने अपने शपथ का सम्मान नहीं किया, उन पर कार्रवाई करी जाएगी।